फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन लर्न विद संध्या हैशटैग शिवी। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिएगा, उसमें ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आधी ज़्यादा जो है सॉल्यूशंस आधा ज़्यादा आपको उसमें मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन पार्ट, तो हमें एक्सरसाइज करना ईजी हो जाएगा अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। इसमें से कौन से मतलब यूज़ करेंगे हम लोग हिस्टोग्राम को शो करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। एक पोस्टमैन है, उसके बैग में क्या कहते हैं अलग अलग एरिया के लेटर्स रखे हैं। तो हम लोग जैसे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे देखिए मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि इसमें तो अलग अलग इंडिविजुअल की बात ही यहाँ कर दी, डिफरेंट एरिया की। तो इंडिविजुअल मैंने किसे बताया था, कौन से ग्राफ में बनता है। जैसे ये एक ग्राफ बना लेते हैं, इंडिविजुअल शो करने के लिए वो खुद ही उसमें बोल दिया कि इंडिविजुअल एरिया के। तो इंडिविजुअल मैंने आप लोग को बताया था कि ये हमेशा बार ग्राफ में यूज़ होता है। ओके, तो जैसे ये हो गया आपका, वो उसका बैग में दिल्ली का लेटर होगा, फिर मुंबई का होगा, आंध्रा का, आंध्र प्रदेश का होगा, या फिर एमपी का होगा। तो मैंने बताया इसमें गैपिंग है, और बार ग्राफ में मैंने बताया था गैपिंग होता है और इंडिविजुअल डेटा को शो करते हैं। लेकिन मैंने हिस्टोग्राम में क्या बताया था, एक कंटिन्यूटी चलती है। कंटिन्यूटी मतलब उसमें गैपिंग नहीं होती है, कंटिन्यूटी चलती है। जैसे मैंने आप लोग को एक इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने वो एज वाला एग्जाम्पल दिया था, वही कंटिन्यूटी यहाँ चलती है। लेकिन यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी चल नहीं रही है, गैप भी है, अलग अलग इंडिविजुअल को शो कर रहे हैं। तो इससे पहला वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें हिस्टोग्राम नहीं यूज़ होगा, इसमें बार ग्राफ यूज़ होगा। ओके, तो हम लोग सेकेंड बी पार्ट देखते हैं, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एथलीट मीट। मतलब कोई प्रोग्राम है, एथलीट मीट हो रहा है, उसमें जैसे ढेर सारे कॉम्पिटिटर हैं, उनकी हाइट में देखने, जैसे हम बताते हैं इसमें क्या होगा। ऐसे इसमें तो हम हिस्टोग्राम ही यूज़ करेंगे, आप लोग देखिए कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि ये है ग्राफ है इसमें, और ये मान लीजिए कोई है, जैसे हमारी हाइट कितने सेंटीमीटर की होती है, किसी की 150 होती है, किसी की 160, किसी की 172, किसी की 175 होती है, ऐसे है होता है। तो इसमें क्या कर रहा है कि हमें हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर, इसमें हिस्टोग्राफ पॉसिबल है। देखिए कैसे, जैसे ये है, यहाँ से 150 है, ओके, फिर यहीं इतने बच्चों की मान लीजिए 150 सेंटीमीटर हाइट है, फिर यहीं से हम लोग बना सकते हैं ये चिपक के वन, फिर इतने के बीच में 160 है, फिर यहीं से एक और हम लोग बना सकते हैं, ये हमारा हो सकता है 180, और ये गैप के बीच में हमारा 190 भी बन सकता है। देखिए इसमें चिपक चिपक के ग्राफ बने, और मैंने बताया था जहाँ पे गैपिंग नहीं होती है वहाँ पे हम लोग हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। तो इसे हाइट वाले क्वेश्चंस में ये पॉसिबल है हिस्टोग्राम, तो जो ये होगा इसमें हमारा ये हिस्टोग्राम यूज़ होगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाई 5 कंपनी। जो 5 कंपनी है वो नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस करती है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें कोई मतलब आपस में चिपकने का कोई काम ही नहीं है, अपनी अलग अलग कंपनी है, डिफरेंट कंपनी है, तो इसमें हमारा बार ग्राफ ही बनेगा। जैसे ये हम लोग बता देते हैं, ये एक कंपनी है ए, ये कंपनी है बी, ये कंपनी है सी, वैसे ही ये कंपनी है डी। जैसे ये प्रोड्यूस करती है 1000, ये करेगी आपकी 2000, ये करेगा आपका 3000, और ये जैसे ये है 3000, और ये करेगा हमारा 4000। तो इसमें हमारे कोई चिपकने वाली बात ही है नहीं, अलग अलग ग्राफ है, अलग अलग कंपनी है, अपना अलग अलग कैसेट प्रोड्यूस करेगी अलग अलग नंबर का, कोई इक्वल नहीं करेगा। तो इसमें हमारा सिंपल सी बात है, बार ग्राफ यूज होगा, ना कि हिस्टोग्राम यूज होगा। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हिस्टोग्राम नहीं यूज होगा। मैंने बताया हिस्टोग्राम कंटिन्यूटी को शो करता है, इसमें गैपिंग नहीं रहती है। बार ग्राफ में देखिए गैपिंग है, अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग मैन्युफैक्चर कर रही है। ओके, तो डी पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट स्टेशन। मतलब जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रेन में 7 से सुबह के 7 से रात 8 बजे तक कितने चढ़ते, तो क्या हम लोग उसे हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग आराम से शो कर सकते हैं हिस्टोग्राम में। देखिए कैसे करते हैं, ये मान लीजिए हमारा ग्राफ है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किए 7 बजे, ये 8,
ये 9, ये 10, ये 11, ये मान लीजिए 1 बज गया, ठीक, PM हो गया रात का। तो क्या हो रहा है, यहाँ से इतने पैसेंजर आपके चढ़े, जैसे यहाँ से गए, मान लीजिए 7 से 8 के बीच में हमारे 1,000 पैसेंजर चढ़े, मान लीजिए 100 चढ़े, 200, ये 300, ये 400, ठीक, 7 से 8, फिर 8 से 9 में हमारे 200 चढ़े, फिर 9 से 10 में मान लीजिए 150 चढ़े, ऐसे ही 10 से 11 में हमारे 400 चढ़े। तो यहाँ देखिए कंटिन्यूस कंटिन्यूटी फॉलो हो रही है, जैसे 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 1, कंटिन्यूटी फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में, डी पार्ट में हम लोग हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। थैंक यू, दैट्स ऑल।